द्वारका में बंदूक दिखाकर नाबालिग से रेप, बिल्डिंग से नीचे फेंका गया। नमस्कार, मैं हिना और आपका एक बार फिर से स्वागत है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में बंदूक दिखाकर 16 वर्षीय एक लड़की से कथित तौर पर रेप करने के बाद उसे इमारत की 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। पुलिस ने बताया कि नीचे गिरने से लड़की के पैरों में फ्रैक्चर हो गया है और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना सोमवार को उस समय हुई जब पीड़िता का पड़ोसी उसके घर में जबरन घुस गया। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त लड़की के माता पिता घर में मौजूद नहीं थे। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी लड़की को पास की एक इमारत में ले गया, जहां उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया और इसे इमारत की 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की काउंसलिंग कर उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2) बंधक बनाना, 65(1), 16 साल से कम उम्र की युवती से दुष्कर्म और 109(1) हत्या का प्रयास और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता बार बार अपना बयान बदल रही है और टीमें पूरी मामले की जाँच कर रही हैं ताकि घटनाक्रम को समझा जा सके। पुलिस ने यह भी बताया कि फरवरी में लड़की के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और उसने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आप किस खबर में क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।